बनाने जा रही हूँ माश्ता का डिश पूरन पोली। उसे लोग चने की दाल से बनाते हैं, मैं मूंग दाल से बना रही हूँ क्योंकि आप लोगों को मालूम है दालें हमारे सेहत के लिए कितनी अच्छी हैं। उसके लिए हमें चाहिए मूंग दाल पीली वाली एक कटोरी, हरी छिलटे वाली एक कटोरी, सूंठ, गुड़, घी और घिसा हुआ नारियल सूखा 3 चम्मच, कड़ी पत्ता, लहसुन, हरी मिर्ची और हरा धनिया। मेरा वीडियो आप लोग जरूर देखें लास्ट तक। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है आप लोगों को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। पहले हम एक बर्तन लेंगे, हमने दालें धो ली है अच्छी तरह से, फिर उसमें हम दाल डालेंगे। फिर हम उसी बर्तन से पानी डालेंगे, उसमें हम लोग पानी डाल लेंगे। पानी ज्यादा डालना है हम लोगों को, ज्यादा पानी में पकाना है। इतना पानी डालेंगे उसमें अच्छी तरह दाल को हिलाते रहेंगे हम लोग पकने तक, जब तक हमारी दाल ना पके। अभी हमारा दाल पक चुका है, ये देखिए ऐसे हमें पकाने हैं, ऐसा ज्यादा भी नहीं पकाना, ऐसा दिखना चाहिए दाने दाने अलग अलग। फिर इसको हम लोग गैस बंद कर देंगे। इसको हम एक नीचे एक बर्तन लेंगे, ऐसा एक बर्तन लेंगे उसमें छलनी रखे, क्योंकि हमको दाल का पानी चाहिए रस बनाने के लिए। ऐसा हम एक छलनी ले लेंगे, उसमें छान लेंगे, ऐसे पूरा दाल को डालना हम लोगों को, पूरा ही छानना है, पानी बिल्कुल नहीं रखना उसमें। और ऐसे करके हिला ले, पानी बिल्कुल नहीं चाहिए हमें दाल में। फिर इसके बाद इसमें हम दाल में गुड़ डाल के पकाएंगे, इसलिए पानी को सारा निकालना है हमको ऐसे। और फिर इस पानी का ही हम लोग रस बनाएंगे, क्योंकि दाल का पानी गिराते नहीं है, वो बहुत पौष्टिक होता है, क्यों ना हम रस बना ले उसका। अभी हम ये दाल को उसी बर्तन में डालेंगे जिसमें हमने पकाया है, ये देखिए ऐसे करके डाल लेंगे। सारा दाल को हम लोग वही बर्तन में डाल के अच्छे से, अभी हमने गैस ला लिया नीचे, हल्का कर लीजिए गैस। इसको ऐसे ना, जो हमारे पास गुड़ था बारीक किया हुआ एक कटोरा गुड़, उस दाल में डालेंगे ऐसे करके। फिर उसको हम अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से दाल और गुड़ को, वो अपने आप गलेगा, पानी बनेगा, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, पानी बनेगा। फिर उसको हम सुखाएंगे अच्छे से। ये तो कोई कोई बोलता है दाल में पानी डाला तो नहीं, गुड़ डाला तो पतला हो गया, लेकिन पतला होता है, उसको हम लोग अच्छे से सुखा लेंगे पानी को, गुड़ के पानी को। ऐसे हम लगातार हिलाएंगे, नहीं तो हमारी दाल है गुड़ डाला है वो जल जाएगा, उधर से हम लोग को हटना नहीं है, पकाते समय हटना नहीं है, नहीं तो हमारी दाल सारा जल जाएगा। ऐसे इसको खूब हिला लेंगे, गुड़ उड़ मिक्स हो जाएगा। ये देखिए हमारा दाल तैयार हो गया, इतना गाढ़ा करना है हमको, सब पूरा पानी गुड़ का पानी सूख चुका है। अभी हमने गैस बंद कर लिया है, इसको ठंडा होने देंगे, इसके बाद हम लोग इसको मिक्सर में पीसेंगे अच्छे से। हमको दाल पकाने में 15 मिनट लगा है पानी के साथ, फिर हमने पानी निकाल लिया था और उसके बाद 15 मिनट गुड़ डाल के बनाने में लगा है इसको। आधे घंटे में हमारा दाल तैयार है पूरन पोली का, और ये महाराष्ट्र का फेमस पूरन पोली है, यहाँ का त्योहारों में हर एक घर में इसको बनाते हैं लोग, इधर के लोगों का फेमस है। अभी हमने कढ़ाई ली है, जो दाल का पानी था उसका रस्सा बनाएंगे पूरन पोली के साथ खाने के लिए। हमें कढ़ाई लेना, गरम करना है, उसमें 2 चम्मच तेल डालना है। उसके बाद जो हमने कड़ी पत्ता, अदरक, लहसुन, नारियल, हरी मिर्ची, हरा धनिया वो था, उसका पेस्ट किया है ऐसा, मिक्सर पेस्ट करना है। फिर
फिर हम लोगों को तेल गर्म होगा तो उसमें डालना है कोई पेस्ट को, ऐसे अच्छे से भूनना है पेस्ट को। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, भून गया हमारा, तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी आधा चम्मच, एक चम्मच धनिया पाउडर और एक छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर, उसको हम भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मसाला हो जाएगा, तो उसके बाद हम वो दाल का पानी निकाला था वो पानी को हम डालेंगे ऐसे करके, क्योंकि मूंग दाल और हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल सेहत के लिए बहुत अच्छी रहती है, उसका पानी नहीं फेंकेंगे। पूरन पुले के साथ ये रस से बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी होता है। ये देखिए इतना अच्छे से बन गया हमारा रस। इसमें हम स्वादानुसार नमक डालेंगे, नमक डालेंगे उसको अच्छे से हिला लेंगे और हमारा रस तैयार हो गया है। ये पूरन पुले के साथ बहुत अच्छा लगता है। एक बार आप लोग मेरे स्टाइल में बनाइए और खाइए। इधर लोग चने के दाल का बनाते हैं, लेकिन मैंने मूंग दाल यूज किया है, वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अभी हम पूरन पोली के लिए आटा बनाएंगे। एक बर्तन में हमने आटा लिया, उसमें एक चम्मच बड़ा तेल डालेंगे, फिर उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा तेल और आटा मिक्स हो गया, अभी हम उसमें थोड़ा देर आटा बनाएंगे। जैसे रोटी का आटा है, गेहूं के आटे बना रहे हम, इसको मैदा में बनाते हैं, पर मैं गेहूं का आटा यूज कर रही हूँ। इसका आटा ठीक रोटी का जैसा ही बनाना है हमें। अभी हमारा आटा बन चुका है रोटी के लिए, उसमें हम थोड़ा सा तेल मिलाएंगे एक चम्मच, फिर उसको अच्छे से गूंथ लेंगे। तेल इसलिए डाल लें क्योंकि आटा नरम हो जाएगा, हम लोग को आटा कड़क नहीं करना है, नरम ही बनाना है। रोटी का आटा समाते हैं वैसे ही, हमने इसमें मैदा नहीं यूज किया है, आटा यूज किया है। हमने जो सूट लिया था ये उसका ऐसा कूट के उसको बारीक कर लिया है, उसको हम लोग जो दाल उबाल के पका के गुड़ के उसमें बनाया उसमें डालेंगे। सूट इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जो दाल है हम लोगों को पचने में आसानी से पचने में मदद करेगा सूट, अदरक पेट दर्द नहीं होगा, इसलिए सूट इसमें मिलाया जाता है और टेस्ट आता है। हमने जो पूरन पुली का मसाला बनाया उसको हम मिक्सर में पीस लेंगे अच्छे से, एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम उसको पीस लेंगे। ये देखिए हमारा दाल पीस चुका है, इसे पतला हमको पीसना है। अभी हम इसको बर्तन में खाली करेंगे। मसाले को हम लोगों को गाढ़ा ही पीसना है, पानी बिल्कुल नहीं यूज करना है। अभी हमने आटा मल के एक आटा का गोला बनाया था, उसमें सूखा आटा लगा लीजिए ऐसे करके सूखा, फिर उसको बेल रंगे, एक छोटा रोटी बनाएंगे। ऐसे हम पूरा रोटी में फैला लेंगे मसाले को, फिर उसके ऊपर जो हमने दूसरी रोटी बनाई थी उसको रख लेंगे, ऐसे अच्छे से बंद कर लेंगे। उसके बाद हम लोग उसको बंद करेंगे ऐसे कांटे वाले से करची से, उसके किनारे हैं वो सब लॉक हो जाएंगे। अभी हमारा तवा गर्म हो चुका है, हम उसमें ऐसे रोटी रखेंगे। फिर उसके बाद हम उसको पलटी मारेंगे
एक साइड अच्छे से सीख जाएगा। हमारी एक तरफ रोटी सीख चुकी है, हम उसको अभी पलटी मारेंगे। दूसरी तरफ भी सीख जाएगा तो हम ऊपर से जो घी रखा था अभी घी यूज होगा हमारा। अभी हल्के से ऊपर से ऐसा घी लगाना है हम लोगों को पूरी रोटी में अच्छे से, ज्यादा घी नहीं लगता है। ये पूरन पोली घी में ही बनती है। फिर हम उसको दूसरी तरफ पलटी मार लेंगे। ये देखिए हमारी पूरन पोली अच्छे से डिजाइन भी आ गया है साइड में और अच्छे से सीख भी रहा है हमारी पूरन पोली। ये महाराष्ट्र की फेमस पूरन पोली है, यहाँ हर त्योहार में ही बनाया जाता है। जैसे होली में, नागपंचमी में, कोई भी त्योहार हो उसको इधर बनाते हैं। देखिए हमारी पूरन पोली तैयार हो गई है। उसके साथ हमने बनाया था जो रस, ये देखिए कितना अच्छा कितना टेस्टी। एक बार आप लोग जरूर ट्राई करें।